नमस्कार जी, मैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल आज फिर बात करने जा रहा हूँ हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। लेके आया हूँ बाबूलाल जी के बारे में बताऊंगा आज आपको। इनको 32 के अस्पताल लेके गए थे, इनको छाती की पेन आई थी हफ्ता भर पहले, और इनको बताया गया था कि आपको टोटल हार्ट ब्लॉक है। टोटल हार्ट ब्लॉक का मतलब क्या है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडीशन कंडक्टिंग होती है, एक एवी नोड और एसी नोड से वो दोनों खराब आ रहे थे, और साथ में इनको ब्लॉकेज भी थी। तो उस प्रॉब्लम के लिए इनको बताया गया कि हार्ट में पेसमेकर डालना पड़ेगा, और इनकी जो पल्स थी वो ड्रॉप हो रही थी, 30-35 तक जा रही थी, और इनको छाती में दर्द था। तब ये मेरे पास लेके आए और इनको काफी फर्क पड़ा, लगभग 5 ही दिन के अंदर इनकी पल्स थोड़ी बेटर हो गई है, छाती में दर्द गायब हो गया। तो बताएंगे ये अपने मुंह से कि ये कैसा फील कर रहे हैं, बताइए पहले बाबूलाल जी आप। एक हफ्ता पहले मेरी छाती में दर्द था, मैं डॉक्टर साहब अग्रवाल के यहाँ आया और दवाई लेके गया, हमको बहुत आराम है। छाती में दर्द ठीक है, चल फिर पा रहे हो बाबूलाल जी? हाँ जी चल रहे हैं, सब ठीक है। अब इनके बेटे जो कि इनको 32 लेके गए थे, ये बताएंगे आपको कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताएंगे अपने बारे में। हाँ जी, ये मेरे पापा जी हैं, इनको हार्ट प्रॉब्लम थी, इनको मैं 32 लेकर गया था, 32 में जो कि ऑपरेशन के लिए बोला गया था, ऑपरेशन में कराना नहीं चाहता था। फिर हमें किसी ने बताया कि डॉक्टर अग्रवाल फेस 7 मोहाली में आयुर्वेदिक है, उनके पास ले जाए। मैं डॉक्टर पास के ले आया, एक हफ्ते की दवा ले गया, उसके बाद इनको काफी रिलैक्स। तो इनको मैं पूछना चाहूंगा आगे छाती में दर्द कितनी हो रही थी, क्या हिसाब था, चल फिर पा रहे थे कि नहीं? जी चल फिर पा रहे। और अब देखिए मैं इनकी पल्स रेट भी दिखाना चाहूंगा, और इसके साथ में ये बताना चाहूंगा आपको कि उन लोगों के पास जिनके पास पेसमेकर डलवाने के शायद पैसे भी हैं, साधन भी हैं, और वो डलवाते भी हैं, बट फिर भी कई बार ये चिकित्सा करवा नहीं पाते, उनके लिए आयुर्वेदिक इलाज भी संभव है। आप देख सकते हैं इनकी पल्स जो कि पहले 30-35 रह रही थी, अब 42 तक पहुंच गई है। इनको एरिथमिया भी रहता है, कई बार 140 भी पहुंच जाती है, 150 भी पहुंच जाती है, 160 भी पहुंच जाती है, मगर अभी कॉन्स्टेंटली बेटर फील कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में हो रहा है, बीपी बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इनकी टेस्टिमोनियल फिर 1-1.5 महीने बाद ये अभी घर जा रहे हैं, अभी मेरे पास 5 दिन बाद आई कि मुझे 2 महीने की दवाई दे दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो आज इनको हम दवाई देके भेज रहे हैं, और 2 महीने बाद फिर इनसे पूछेंगे इनका हाल कैसा है। तो बताना चाहूंगा कि ब्लॉकेज के लिए भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी रहती है, जिससे ब्लॉकेज क्लियर हो जाती है, और पेसमेकर वाला भी शायद बात बन सकती है अगर आप विश्वास करें तो, अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं तो। बट फिर भी ये कहूंगा कि वो थोड़ा मुश्किल है, बट ब्लॉकेज ठीक करना बहुत आसान रहता है आयुर्वेदिक चिकित्सा से। तो ये हार्ट ब्लॉक एक बहुत बड़ा टर्म है कि पूरा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जिसको कहते हैं हम, ये हो पाना, ये ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है, मैं ये जानता हूं। बट फिर भी अगर एक पेशेंट में ये हल हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या रहता है, सारी बीमारियों का हल रहता है, और ये चिकित्सा कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, इस चिकित्सा को रिवाइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस तरह के पेशेंट्स हमें साथ देते रहे तो हम डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स और भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीधर आपसे फिर इजाजत लेता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, नमस्कार।